नमस्कार दोस्तों, इजी पार्टी में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू ट्रेंडिंग सभी महादेव का स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में भी यानी आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने पोस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से ऑल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपका फोल्डर है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों उसी तरह से मैं यहाँ से फोल्डर है वो सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसी तरह से आपको फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपने जो अल्ट्रा पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से अपने अल्ट्रा पोस्ट रहेंगे वो ऐड कर लूँगा। तो दोस्तों उसी तरह से मैं यहाँ से पहले अपने जल्दी जल्दी अल्ट्रा पोस्ट है वो ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से जो हमारे अल्ट्रा पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। उसी तरह से डाउनलोड आपको कर लेना है। करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैंने यहाँ से अपने अल्ट्रा पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ से 17 और यह पर मैं 18 पोस्ट है वो टोटल कर दूंगा। तो उसी तरह से ऐसे 18 पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ऐसे मैंने अपने 18 पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ही ऐसे ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद दोस्तों नीचे तीर वाला ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इधर से अपने पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इधर से ऊपर ऑनलाइन लिखा वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 9/16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से पहले 9/16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अपना म्यूजिक वो ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से यहाँ से म्यूजिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको अपने म्यूजिक बीट पर क्लिक करना है और आपको कुछ इसी तरह से अपने बीट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इधर बीट देखने को मिल जाएंगे जो कि इतने सेकंड पे अपने आपको अपने बीट है वो ऐड कर लेने हैं। तो दोस्तों इधर से आपको अपने बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है जो कि यहाँ से अपने बीट रहेंगे वो आप उसी तरह से ऐड करेंगे जो कि आपके बीट रहेंगे वो सही से ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से आप आसानी से अपने बीट है वो आसानी से ऐड कर सकते हो जो कि इधर से आप अपने ऊपर वाले हिस्से पर ही आपको बीट है वो ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर सब में बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड करके रखा है। तो इसी तरह से आपको भी आसानी से अपने सभी में आपको अपने बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से बीट सब में पूरे में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है क्योंकि आपके बीट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इसे आपको थोड़ा जूम करना है। जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको आपके बीट के हिसाब से सभी पोस्ट को ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से अपने पोस्ट को कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने पोस्ट को कुछ इसी तरह से आपको सभी पोस्ट को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से पहला आपका इफेक्ट्स में जाना है और इधर से पहला इफेक्ट रहेगा वो आपको अलग तरह का ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से आपको पहला इफेक्ट है वो आपको कुछ इसी तरह से इधर आपको एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इधर से आपको अपना इफेक्ट रहेगा वो आपको सेक इफेक्ट ऐड कर लेना है। उसी तरह से आपको पहले में सेक इफेक्ट ऐड कर लेना है और इसे फुल करने के बाद सेक इन इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यस पर क्लिक कर देना है और उसी तरह से दूसरा इफेक्ट में आपको इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ से दूसरा इफेक्ट रहेगा वो आपको जूम आउट वाला रहेगा। तो इधर से आपको जूम आउट वाला ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इसे फुल करके यस पर क्लिक कर देना है जो कि दूसरे में आपको एफएक्स में जाके जूम आउट का इफेक्ट कर देना है और उसी तरह से यहाँ से तीसरे इफेक्ट में एफएक्स में जाना है और उसी तरह से आपको जो आपने पहले किया था शेक इन इफेक्ट ये का ये ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इधर यस पर क्लिक कर देना है। उसी तरह से इस इफेक्ट में आपको आपके इफेक्ट रहेंगे वो चेंज कर देना है। तो उसी तरह से इसे हम इफेक्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से यहाँ से हमारे पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे और आपको कुछ इसी तरह से यहाँ से की फ्रॉम का ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसी तरह से इसे आपको फोटो कुछ इसी तरह से आगे की तरह सेट कर लेना है। तो उसी तरह से आपको अपने फ़ोटो को आगे पीछे करना है जो कि आपका फ़ोटो रहेगा बहुत ही क्लासिक हो जाएगा। उसी तरह से आपको इधर आगे पीछे इसे कर देना है। उसी तरह से आपको वापस इसे बड़ा करना है और उसी तरह से आपको इसे आगे पीछे कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका जो फ़ोटो रहेगा वो बहुत ही क्लासिक आने देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो वो आपको बहुत ही यूनिक फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। उतना करने के बाद दोस्तों इधर आपको इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वाला ये इफेक्ट है ये ऐड कर लेना है। उसी तरह से इसे आपको फुल कर देना है। फुल करने के बाद आगे की तरफ फुल कर देना है और यहाँ से
आपको इसे आपको कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इधर यस पे क्लिक कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपने इफेक्ट है तो इधर से आपको तीन पोस्ट इफेक्ट है वो आपको कुछ इसी तरह से तीन पोस्ट को वो छोटे इफेक्ट रहेंगे उसमें आपको अलग तरह का इफेक्ट एक ऐड करना है तो तीनों में है तो उसी तरह से मैं तीन पोस्ट है पहले वो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आप अपने इफेक्ट को कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से हमने इधर तीन पोस्ट है वो कर लिए। करने के बाद दोस्तों इधर इधर आपको एफएक्स में जाना हो इधर से तीनों पोस्ट में आपको कुछ इसी तरह से यहाँ पर जटर अप का इफेक्ट है ये ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इसमें भी एफएक्स में जाना हो इसमें भी आपको जटर अप का इफेक्ट है ये जटर अप का इफेक्ट ये का ये ऐड कर लेना है। उसी तरह से तीसरे में जाना है एफएक्स में जाना हो इधर भी आपको जटर अप का इफेक्ट है ये का ये ऐड कर लेना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से अपने इफेक्ट रहेंगे वो आपको अलग इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से मैं यहाँ से अपने इफेक्ट रहेंगे वो अलग तरह के करूँगा तो उसी तरह से आपको पूरे वीडियो में अलग तरह के यहाँ से अपने इफेक्ट रहेंगे वो पूरे अलग तरह के ऐड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से अपने इफेक्ट आपको कुछ इसी तरह से कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने इफेक्ट रहेंगे वो सभी चेंज हो जाएंगे तो उसी तरह से आपको पहले सभी में अपने जो पोस्ट है वो सही से सेट कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने सभी पोस्टों को सही से अपने जो आपके बीट है उसके हिसाब से कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर सभी में आपको अपने इफेक्ट रहेंगे वो आपको ऐड कर लेना है। एफएक्स में जाना हो इधर से आपको अपने इफेक्ट रहेगा तो एक्सपेंड का ये इफेक्ट ऐड कर लेना है। उसी तरह से ये वाला एक्सपेंड का इफेक्ट है वो पूरे में आपको एंडिंग तक ये का ये इफेक्ट है आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको पूरे में ये का ये इफेक्ट रहेगा जो काफ़ी क्लासिक लगेगा और उसी तरह से आपको पूरे में ये का ये इफेक्ट है ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको इधर एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो वो ऐड कर लेना है तो उसी तरह से मैं यहाँ से अपने ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से मैं एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो रहेगा कलरफुल वो ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा इसे हम थोड़ा फुल कर देंगे। फुल करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक नीचे आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा वहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्किन कर देना है। स्किन करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो रहेगा बहुत ही क्लासिक देखने को मिल जाएगा और उसी तरह से आप अपने मोबाइल में इस वीडियो को आसानी से एडिटिंग कर सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ से इस पर क्लिक कर देना क्योंकि वीडियो रहेगा इजीली आपको मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।